सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। शख्सियत जितनी अच्छी होगी दुश्मन भी उतने ही बनेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता ही कौन है, क्योंकि पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फलों से लदा होता है। कभी भी कहीं भी देखा है किसी को सूखे पेड़ पर पत्थर फेंकते हुए। जीवन में अगर कोई आपके लिए हुए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उस दुनिया में रहते हैं जहाँ तेल और बाती जलते हैं, पर लोग कहते हैं दीपक जल रहे हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे दो कदम आगे हैं। आज का पंचांग 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम 7:33 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र शाम 5:07 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:55 से 3:16 तक रहेगा। अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:14 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार, आपका छोटा भाई अचानक आर्थिक अपेक्षा लाभ का जश्न मनाने के लिए आपसे मिल सकता है। लोगों से मिले जुले और अपने आकर्षण को दूसरों को दिखाएं। नेटवर्किंग के लिए यह अच्छा समय है। किसी प्रियजन को आपके समय और ध्यान की आवश्यकता हो सकती है। आज आपकी भावनाएं बेहद प्रभावी रहेगी। उर्षा और अवसाद को मन में न आने दें, अपने रोजाना कामों से उब सकती हैं, इसलिए विश्राम के लिए आज के दिन उपयुक्त है। अपना व अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और गाड़ी चलाते हुए सावधान रहें। आत्मविश्वास और मेहनत ऐसी चाबी है जिससे जीवन के हर ताले को खोला जा सकता है। परिवार के सुख सुविधाओं संबंधित वस्तुओं के लिए शॉपिंग आदि हो सकती है। अचानक ही किसी घनिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात आपको प्रसन्नता देगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई व करियर संबंधी समस्या का समाधान मिलने से तनाव मुक्त महसूस करेंगे। परिवार के लोगों में आपसी विवादों की वजह से नाराजगी बनी रहेगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रयत्न न करने की वजह से नाराजगी और भी जटिल हो सकती है। कुछ बातों को सुलझाने के लिए प्रयास करने की कोशिश करें। बातें जब पैसे और व्यवहार संबंधित हो तो विवादों से दूर ही रहना ठीक रहेगा। व्यापार से संबंधित बातों में अपनी मनमर्जी बिल्कुल ना चलाएं। अपने हर एक निर्णय का परिणाम क्या होगा इस बात को ठीक से परखने की आवश्यकता है। सावधानियां, इस समय आर्थिक कशमकश जारी रहेगी। अपने अंदर अहम की भावना ना आने दें, इसकी वजह से रिश्तों में खटास भी आ सकती है। युवा वर्ग मौज मस्ती में अपना समय व्यर्थ ना करके अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका लक पूरी तरह से आपके साथ है, इसीलिए आज के दिन को पूरा एंजॉय करें। और खास की तलाश है तो कॉलेज के समूह में कोई आपका इंतजार कर रहा है। रिश्ता अगर पुराना है तो इसकी खुशबू को बरकरार रखने के लिए कोशिश करते रहें। आज अपना और अपने प्रियजनों का खास ख्याल रखें। अगर लंबे समय से चली आ रही परेशानी से आप नहीं निकल पा रहे हैं तो किसी खास की मदद लें। अपने रोजाना के कार्यक्रम से छुट्टी लेकर अपने शौक पूरा करें और साथी के साथ कुछ रोमांटिक पल गुजारें। अगर बाहर जाना जरूरी ना हो तो घर पर ही रहें। बात करते हैं करियर की। दोस्ती या रिश्तों की अहमियत आप अच्छे से जानते हैं और यही कारण है कि आप जीवन के हर पल को खुलकर जीते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, लेकिन याद रखें इनसे किसी को ठेस ना पहुंचे।
व्यापार या धन के मामलों में समस्या या बाधा का सामना कर सकते हैं। आज आपकी भावनाएं आप पर हावी हो सकती है, इसलिए इस समय कोई भी निर्णय लेने से बचें। अगर आज चीजें आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रही है तो अपने दिल की सुने, अपने रोजाना के कामों से ब्रेक लें और आत्मनिरीक्षण करें। नशा केवल आपके लिए, आपके प्रियजनों के लिए भी नुकसानदायक है, इसीलिए नशे से बचें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सिर्फ दिमागी काम ज्यादा करने की वजह से सिर में भारीपन और थकान महसूस होगी। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आज का उपाय, आज भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।